हेलो गाइस, आप सभी को हमारे डे टू संदकपुर के वीडियो पर स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो पर बताया था कि हमने डे वन पर चौरी चौक पर हमने हॉल्ट किया था, तो ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये चौरी चौक का नजारा है। क्योंकि हम नवंबर के मंथ पे गए थे ट्रेकिंग के लिए, तो जैसे कि आप इस वीडियो पर देख रहे हैं वहां पर बहुत ही ठंड था। और आप इस वीडियो पर जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, हमने जहाँ पर हॉल्ट किया था वहाँ का किचन है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ का किचन भी। और हमने एक बार क्या नोटिस किया कि इतने ठंड में भी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बाहर ही सोते हैं, और उन लोगों ने नेचुरली अडॉप्ट कर लिया है वो सब नेचर को। और जो आप देख रहे हैं यही वो जगह है चौरी चौक जहाँ पर हमने डे वन पर हॉल्ट किया था। और उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने डे टू का ट्रैकिंग शुरू किया। और जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि संदकपुर का कुछ पार्ट इंडिया पर पड़ता है और कुछ पार्ट नेपाल पर, इसलिए जब आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो कभी आप नेपाल के साइड होते हैं तो कभी इंडिया के साइड। और ये है कुछ फोटोग्राफ्स जो हमने ट्रैकिंग करते वक्त लिया था डे टू का, तो आप इस खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं। अगर आप चौरी चौक से संदकपुर का जो लैंडस्केप है वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत ही स्टीप है, इसीलिए संदकपुर ट्रैकिंग को वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रैकिंग भी कहा जाता है। अगर हम डिस्टेंस को देखें तो सिर्फ 6 किलोमीटर है, तो यहाँ पर आप संदकपुर का नजारा देख सकते हैं। करीब 6 घंटे के बाद हम संदकपुर पर पहुँचे, और आप ये वीडियो पे देख सकते हैं कि आपको छोटा छोटा 2 होटल्स मिलेंगे वहाँ पर। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो पे कहा था कि अगर आप पहले ही बुकिंग करके जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 ही छोटे छोटे होटल्स होने की वजह से कभी कभी बहुत ही मुश्किल होता है रूम्स मिलने के लिए। लेकिन हमने संदकपुर पर हॉल्ट नहीं किया, क्योंकि संदकपुर के करीब 1.5 किलोमीटर के पास ही एक जगह है जिसे आल कहते हैं, और ये नेपाल का बॉर्डर है, तो वहाँ पर हम रहे। क्योंकि हमने अपने दोस्तों से सुना था कि संदकपुर से ज्यादा इस आल से हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हम देख सकते हैं, तो इसलिए हम संदकपुर पर नहीं रहे। लेकिन हमने वहाँ से 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करके हम आल पर हमने डे टू वहीं पर स्पेंड किया। पहले ही हमने उन लोगों से फोन में बात किया था, इसीलिए जब हम वहाँ पर पहुंचे तो वो लोग हमारे लिए खाना बना रहे थे। तो आप जो ये पिक्चर्स देख रहे हैं वो उनके किचन्स का पिक्चर है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस डे टू संदकपुर वीडियो। सो आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू सो मच।